नमस्कार, स्पोर्ट्स ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास पगे। भारत के कई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे आईपीएल में, और इंतजार था कि कब ये खिलाड़ी फॉर्म में आए ताकि टी20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। लेकिन मुंबई इंडियंस और भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई आईपीएल 2022 के 56वें मुकाबले में। यह मुकाबला केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में एक बहुत ही कमाल का स्पेल डाला। अपने 4 ओवरों में मात्र 10 रन दिए, 2.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी, 5 विकेट लिए और 18 डॉट बॉल्स फेंकी। देखिए, 18 डॉट बॉल्स दिए हैं, 4 ओवर में 24 गेंद होती हैं जिनमें से 18 तो डॉट थी। तो इस मैच से, इस स्पेल से बुमराह अपनी फॉर्म में वापस आ गए। जी हाँ, अगर हम आईपीएल में ही बुमराह के बेस्ट फिगर्स की बात करें तो ये अब तक का बेस्ट फिगर्स है। इससे पहले 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 रन दिए थे, 4 विकेट लिए थे, और उससे पहले 2020 में आबू धाबी में ही 4 ओवर में जो है 20 रन दिए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, वो उनका बेस्ट फिगर था। लेकिन 2022 आईपीएल के इस स्पेल ने सभी स्पेल्स को पीछे छोड़ दिया। बुमराह के व्यक्तिगत स्कोर की हम बात कर रहे हैं, और ये जो स्पेल था इसने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, जैसे कि टी20 क्रिकेट में बुमराह का सबसे बेस्ट स्पेल यही है, और आईपीएल के सबसे बढ़िया स्पेल्स में भी ये स्पेल बुमराह का जो है शामिल हो गया है। इस मैच में बुमराह ने 5 विकेट लिए जिसमें आंद्रे रसल शामिल थे, नीतीश राणा शामिल थे, शेल्डन जैक्सन शामिल थे, पैट कमिंस थे और सुनील नारायण भी थे। इससे पहले अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की आईपीएल 2022 में बुमराह की, तो ये 11वां मैच था मुंबई इंडियंस का। इससे पहले 10 मैच खेल चुके थे बुमराह और 10 मैचों में मात्र 5 विकेट लिए थे, जो कि जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। उनके बड़े नाम को, जिस कद का वो नाम है, उनको शोभा नहीं देता है 10 मैचों में 5 विकेट। लेकिन 11वें मैच में एक ही मैच में 5 विकेट ले गए और सिर्फ 10 रन दिए, 2.5 की इकोनॉमी से, 2.5 की इकोनॉमी थी और 5 विकेट थी। यही कारण था कि आईपीएल के इतिहास के सबसे बढ़िया स्पेल्स में भी बुमराह का ये स्पेल जोड़ा गया, और बुमराह का भी व्यक्तिगत तौर पर टी20 में सबसे बेस्ट जो फिगर्स हैं अब यही हैं, 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लेना। तो जसप्रीत बुमराह तो वापसी कर चुके हैं इस मैच के साथ। उन्होंने सबको बता दिया कि हाँ भाई, अभी हमारे अंदर पूरा गेम बाकी है, पूरा क्रिकेट बाकी है, थोड़े मैच में बस थोड़ा सा इधर उधर गए थे, लेकिन ट्रैक पर वापस आ चुके हैं। मैच के बाद, मतलब एक इनिंग के बाद, बुमराह ने कहा था कि अच्छा लग रहा है, और जब आप प्रेजेंट में होते हो तो जरूरी होता है कि उसका इस्तेमाल करो। मुझे लग रहा था कि अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूं तो यही अपना जो है बेस्ट प्रदर्शन देने की जरूरत है। तो उन्होंने पिच का और कंडीशन का इस्तेमाल किया और बेस्ट परफॉर्मेंस शायद इनका इस मैच में चल रहा था, उन्होंने ऐसा बताया मैच खत्म होने के बाद। देखिए, जसप्रीत बुमराह बड़े गेंदबाज हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में इनकी अहम भूमिका होती है। आने वाले एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के मद्देनजर रखते हुए लोगों के दिमाग में बड़ी चिंता थी कि जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ फॉर्म है, और भी तमाम खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन चिंता थी कि कब ये लोग वापस आएंगे, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप भी तो जीतना है इंडियन टीम को। तो बुमराह के इस स्पेल के साथ बुमराह तो वापसी कर चुके हैं। अब आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि कौन कौन से और इंडियन खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत हैं, या और भी जितने भी लोग आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अभी, कौन कौन जल्दी से जल्दी वापसी कर सकता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, स्पोर्ट्स और आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। We'll be right back.